हेलो पीपल अ वेरी बॉम वेलकम टू कंसाइज क्लासेस सो स्टूडेंट आज आपका लेक्चर फोर्टी वन है और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के बारे में फ्रॉम द लास्ट ट्वेंटी डेज स्टूडेंट आई वाज नॉट फीलिंग वेल जिस वजह से आप लोगों के लेक्चर्स नहीं आ पा रहे थे मैं बिल्कुल भी वेल महसूस नहीं कर रही थी दैट इज़ वाई आई वॉजेंट इन अ स्टेट कि मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करूं बट नाउ आई एम परफेक्टली फ़ाइन और अब से आपके लेक्चर्स रेगुलर बेसिस पर आएंगे सो so, इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए और इसी तरह आप लोग अपनी इंग्लिश को थ्रू माई लेक्चर्स अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए ठीक है. है तो आइए स्टार्ट करते हैं सो so, प्रीवियसली मैं आपसे प्रेजेंट टेंस की बात कर चुकी हूँ जहाँ मैंने आपको बताया है कि जो प्रेजेंट टेंस है आप उसे यूज़ करते हैं फॉर हैबिचल एक्शंस बेसिकली उन चीज़ों के लिए जो रेगुलर हो रही हो ठीक है या तो वो जनरल फैक्ट्स हो तो ऐसी चीज़ों को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं ठीक है मैंने कुछ समय पहले आपसे बात करी थी स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब्स के बारे में राइट जहाँ मैंने आपको बताया था कि स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब्स में क्या अंतर होता है तो वहाँ मैंने एक सेंटेंस यूज़ करा था कि जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं स्टूडेंट वो आपकी हमेशा सिंपल टेंस में आती हैं ठीक है लेकिन जो डायनामिक वर्ब्स होती हैं वो आपकी कॉन्टीन्यूस टेंस में आ जाती हैं और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के बारे में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या हो रहा है कोई काम वर्तमान समय में चल रहा है ठीक है उसे ही तो हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस बोलेंगे लेकिन कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करते हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिएगा आगे मैं आपको ये भी डिस्क्राइब करूँगी कि कैसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि कहाँ आप सिंपल प्रेजेंट को यूज करें और कहाँ आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को भी यूज़ करें एंड ट्रस्ट मी पीपल द वे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा सो ध्यान से देखिएगा सो so पहली चीज़ वेन समबी इज़ डूइंग समथिंग एट दिस मोमेंट फॉर एग्जाम्पल इस मोमेंट पर मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ ठीक है तो मैं क्या बोलूँगी आई एम टीचिंग इंग्लिश क्योंकि इस मोमेंट पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो कोई काम अगर उस मोमेंट पे हो रहा है ठीक है कंटिन्यूस का मतलब है चल रहा है कंप्लीट नहीं हुआ है जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो परफेक्ट हो जाएगा हम उसकी बाद बात बाद में करेंगे ठीक है तो है क्या कोई काम चल रहा है कंप्लीट नहीं हुआ है ठीक है तो ऐसी सिचुएशंस को हम दर्शाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कैसे सारा इज चेंजिंग हर क्लोथ्स राइट नाउ वो अपने क्लोथ्स चेंज कर रही है ठीक है हर हस्बैंड इज़ वेटिंग फॉर हर उसका हस्बैंड उसके लिए वेट कर रहा है वी आर लर्निंग द प्रोग्रेसिव टेंस इन इंग्लिश हम प्रोग्रेसिव टेंस इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इस मोमेंट में हम जो काम करते हैं ठीक है उसे हम दर्शाते हैं स्टूडेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ठीक है आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी नेक्स्ट स्टूडेंट वेन समथिंग इज़ हैपनिंग एट दिस मोमेंट वेन द एक्शन हैज स्टार्टड बट हैजेंट फिनिश ठीक है वही बात है जैसे इट इज़ स्नोइंग ऐट द मोमेंट इस मोमेंट पे बाहर बर्फ़ गिर रही है तो इट इज़ स्नोइंग एट द मोमेंट द इकॉनमी इज़ ग्रोइंग एट एन एक्सपोनेंशियल रेट जो इकॉनॉमी है वो एक्सपोनेंशियल रेट के साथ बढ़ती चली जा रही है ठीक है तो बढ़ती चली जा रही है इस मोमेंट पर इकॉनॉमी बढ़ रही है लेकिन खत्म नहीं हुई है बढ़नी बढ़ ही रही है द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग सो प्लीज़ बी क्वाइट बच्चे सो रहे हैं तो शांत रहिए तो बच्चे अभी भी सो रहे हैं ठीक है तो कोई काम स्टूडेंट इस मोमेंट पर हो रहा है ऐसे काम को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं नेक्स्ट देखिए कोई काम जो हो रहा है लेकिन नेसेसरली ऐसा नहीं है कि इसी मोमेंट पे हो रहा हो ठीक है जैसे समझो अल्फ्रेडो इज़ स्टार्टिंग अ लॉट फॉर इस एग्जाम अल्फ्रेडो है उसका एग्जाम आने वाला है तो वो अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहा है अभी नहीं पढ़ रहा होगा लेकिन हम कहते हैं ना कि वो खूब मेहनत कर रहा है ठीक है वो आई बनने के लिए खूब मेहनत कर रहा है अब हो सकता है जिस मोमेंट पे आप ये बात कह रहे हो वो आपके बराबर में ही बैठा हो ठीक है लेकिन आप कहते हैं ना वो खूब मेहनत कर रहा है ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड ठीक है तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जो उस मोमेंट पे हो ना हो, हो ना रही हो लेकिन वो हो तो रही है ना ठीक है आई एम रीडिंग अ ग्रेट बुक मैं एक बहुत ग्रेट किताब पढ़ रहा हूँ मैं किसी को कह रही हूँ ना आई एम रीडिंग अ ग्रेट बुक ज़रूरी नहीं है कि जब मैं आपको बता रही हूँ मैं तब भी पढ़ रही हूँ लेकिन मैं पढ़ तो रही हूँ ना नेक्स्ट देखिए वी आर प्लानिंग अ ट्रिप टू जमाका हम प्लान कर रहे हैं कि हम जमाका जाएंगे ठीक है एक ट्रिप हम प्लान कर रहे हैं कि हम जमायका जाएंगे ओके okay, तो इस मोमेंट पे तो नहीं जा रहे हैं ना लेकिन हम एक ट्रिप को प्लान कर रहे हैं वी आर प्लानिंग अ ट्रिप टू जमाए का आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी नेक्स्ट देखिए कोई ट्रेंड हो कोई डेवलपमेंट हो ठीक है ऐसे सिचुएशंस को भी स्टूडेंट हम कॉन्टीन्यूस टेंस में दिखाते हैं जैसे इट इज़ गेटिंग मोर एक्सपेंसिव टू गो टू यूनिवर्सिटी मतलब आज के टाइम में यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है कि बहुत महंगा हो गया है यूनिवर्सिटी जाना यूनिवर्सिटी में पढ़ना तो ये एक ट्रेंड है कि आज के टाइम में जो महंगाई है बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है ड्यू टू विच यूनिवर्सिटी की फ़ीस ही बढ़ती चली जा रही है तो बहुत महंगा होता जा रहा है आज के टाइम में यूनिवर्सिटी जाना हम कहते हैं ना कि इसका प्राइस बहुत महंगा होता जा रहा है ठीक है या फिर इस शूज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ओके पीपल आर लिविंग लॉन्गर लोग अब बहुत जीते हैं ठीक है कोई भी ऐसी सिचुएशन जो अब रीसेंट डेवलपमेंट है या फिर ट्रेंड है कोई भी चीज़ ट्रेंड में है या फिर कोई भी डेवलपमेंट होता है उसे भी हम कॉन्टीन्यूस टेंस में दिखाते हैं मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग वेजिटेरियन ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेजिटेरियन होते चले जा रहे हैं तो ये एक ट्रेंड है स्टूडेंट कि अब हम देख रहे हैं कि आसपास जो लोग हैं वो वेजिटेरियन बनते चले जा रहे हैं तो कोई भी ट्रेंड हो कोई भी डेवलपमेंट हो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में दिखाते हैं नेक्स्ट देखिए टू डिस्क्राइब अ अनेक्शन और इवेंट इन द फ्यूचर विच हैज़ ऑलरेडी प्लान और प्रिपेर कोई भी ऐसा प्लान जो हम प्रिपेयर कर चुके हैं फ्यूचर में होने वाला उसे हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में दिखाएंगे जब मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करी थी वहाँ मैंने आपसे कहा था कि अगर हम फिक्स टाइमिंग की बात कर रहे हैं ठीक है फ़िक्स्ड प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तब हम क्या यूज़ करेंगे प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस लेकिन यहाँ पर क्या है कि टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट इन द फ्यूचर विच हैज़ ऑलरेडी प्लान्ड और प्रिपेयर्ड ठीक है जो प्लान हो चुका है वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे टूमोरो जो काम हम नियर फ्यूचर में करने वाले होते हैं ना जो हम काम नियर फ्यूचर में करेंगे स्टूडेंट उसे हम हमेशा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में रखेंगे ठीक है कि हम एक हॉलिडे जाने का सोच रहे हैं ठीक है वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो, सोच नहीं रहे हैं हम लोग कल हॉलीडे पर जाएंगे, ठीक है हम लोग कल हॉलीडे पर जाएंगे, अब देखो अगर हम इसे इनफॉर्मल इंग्लिश में बात करें तो आप लोग बोलोगे वी आर गोइंग ऑन अ हॉलीडे टुमॉर या फिर वी विल गो ऑन अ हॉलीडे टूमोरो नॉट वी आर गोइंग आप बोलोगे वी विल गो ऑन अ हॉलीडे टुमॉर ठीक है आप ये बोलोगे क्योंकि ये एक इनफॉर्मल इंग्लिश है आप ये काम कल करने वाले हो तो ये सबको पता होता है कि विल और शाल का यूज़ हम फ्यूचर में करते हैं जो काम होने वाला है लेकिन मैंने आपसे क्या कहा फॉर्मल इंग्लिश में आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या फिर जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है आपको ग्रामर की नॉलेज मैन इट कम्स टू फॉर्मल इंग्लिश आपको ध्यान में रखना जरूरी है तो कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है, है, प्रिपेयर ठीक है जैसे वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे टूमोर हम कल हॉलीडे पर जाएंगे ठीक है तो आप ये नहीं बोलोगे वी विल गो ऑन हॉलीडे टूमोरो कल का ही है ठीक है इनफॉर्मल इंग्लिश में बहुत लोग बोलते हैं ठीक है स्पोकन इंग्लिश में आप बोल दो कोई दिक्कत नहीं है कोई इतना माइंड नहीं करेगा लेकिन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपेरेटिव लेवल ठीक है और हम लोग किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं ये स्पोकन इंग्लिश नहीं है फॉर्मल इंग्लिश है तो हमें ये सारी चीज़ें दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे टु आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टू मैं रात में अपने दोस्त से मिल रहा हूँ आई एम फ्री आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टू आप ये नहीं कहोगे आई विल मीट माई फ्रेंड टू आप ये कहेंगे आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टू नाइट आर विजिटिंग यू नेक्स्ट विंटर क्या वो तुमसे नेक्स्ट विंटर मिलने आ रहे हैं ठीक है तो आर दे विजिटिंग यू नेक्स्ट विंटर आप ये नहीं बोलोगे विल दे विजिट यू ठीक है आप ये नहीं बोलोगे विल दे विजिट यू आप ये बोलोगे आर दे विजिटिंग यू नेक्स्ट विंटर क्योंकि ये एक प्लान्ड या फिर प्रिपेयर्ड एक्शन है कोई भी ऐसा इवेंट जो फ्यूचर में होने वाला है लेकिन वो पहले से प्लान हो चुका है पहले से आप प्रिपेयर कर चुके हैं तो उसे आप हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में स्टूडेंट रखेंगे नेक्स्ट देखिए रेपिटेशन एंड irritation विद ऑलवेज कहा क्या जाता है कि जब भी आप ऑलवेज देखें किसी भी सेंटेंस में स्टूडेंट तो आप उसके साथ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे ठीक है लेकिन इसको डेप्थ में समझना ज़रूरी है जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे कंटिन्यूली कॉन्स्टेंटली या फिर आपका ऑलवेज ठीक है तो अगर ये उस सेंटेंस में ऐसा आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इरिटेट करने वाला है परेशान करने वाला है ठीक है यानी कि वो आपको कोई नेगेटिव इमोशन दे रहा है ठीक है कोई नेगेटिव इमोशन दे रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उस सेंटेंस को रखेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में जैसे शी इज़ ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट अब यहाँ पर स्टूडेंट ये आपका एक आ, कह सकते हो एक हैबिचुअल एक्शंस है एक रेगुलर एक्शन है कि वो रोज़ ही क्लास देर से आती है ठीक है सो आई टोल्ड यू कि वेन एवर देर इज़ एन हैबिचुअल एक्शन कोई भी अगर हैबिचुअल एक्शन है ठीक है तब आप उस टाइम पे उसे प्रेजेंट टेंस पे रखेंगे का वेन देर इज़ अ हैबिचुअल एक्शन लेकिन यहाँ पर क्या है स्टूडेंट शी इज ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट तो ये एक नेगेटिव इमोशन दे रहा है कहने का मतलब है कि क्लास तो लेट आना अच्छी बात नहीं होती है ना दूसरी बात ऑलवेज का भी यूज़ हुआ है तो कहते है यही है कि ऑलवेज आए कॉन्स्टांटली आए फिर कॉन्टिन्यूअली आए तो आप वहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करें लेकिन क्यों यूज़ करें क्योंकि वो वहाँ पे आपको एक नेगेटिव इमोशन देगा सो शी इज़ ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट एक नेगेटिव इमोशन दे रहा है कि वो रोज़ क्लास देर से आती है अब है तो ये एक हैबिचुअल एक्शन ठीक है तो ये एक हैबिचुअल एक्शन कि वो रोज़ देर से आती है लेकिन एक नेगेटिव इमोशन दे रहा है ठीक है आप यहाँ पढ़ सकते हैं नोटिस दैट द मीनिंग इज़ लाइक सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट क्या है हैबिट बताएगा कोई फैक्ट बताएगा कोई जनरल ट्रूथ बताएगा तो यहाँ भी आपको एक हैबिचुअल एक्शन बता रहा है कोई भी एक्शन जो रेगुलर हो रहा है लेकिन एक नेगेटिव इमोशन दे रहा है तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जो सिंपल प्रेजेंट का एसेंस दे मतलब जिसमें से सिंपल प्रेजेंट की खुशबू तो आए लेकिन अगर उसमें नेगेटिव इमोशन है तब आप उसे किस में रखेंगे कॉन्टीन्यूस टेंस में ठीक है और पहचान के लिए तो है कि ऑलवेज आ रहा है या फिर आपका कॉन्स्टेंटली आ रहा है ठीक है नेक्स्ट देखिए ही इज़ कॉन्स्टांटली टॉकिंग आई विश ही वुड शट अप वो बराबर बात करे जा रहा है ठीक है आई विश कि वो चुप हो जाए अब ठीक है मैं चाहता हूँ वो चुप हो जाए ही इज़ कॉन्स्टांटली टॉकिंग तो एक नेगेटिव इमोशन है कि वो बार बार बोले ही जा रहा है चुप ही नहीं हो रहा है आई विश अब वो चुप हो जाए आई डोंट लाइक देम बिकॉज देर ऑलवेज कंप्लेनिंग मैं उन्हें पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं आई डोंट लाइक देम बिकॉज देर ऑलवेज कंप्लेनिंग ठीक है तो ऑलवेज़ आए कंटिन्यूअली आए या फिर कॉन्स्टेंटली आए आप उसके साथ प्रेजेंट कॉन्टिनस टेंस का यूज़ करते हैं लेकिन क्यों यूज़ करते हैं बिकॉज स्टूडेंट वो आपको एक नेगेटिव सेंस देगा एक नेगेटिव इमोशन देगा ठीक है आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी नेक्स्ट देखिए ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो समझना ज़रूरी है क्योंकि मैं आपसे स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब की बात कर चुकी हूँ जहाँ मैंने आपको बताया है कि स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो कुछ स्टेट करती हैं ठीक है जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है। जैसे आई लाइक आइसक्रीम तो लाइक like क्या है स्टूडेंट लाइक आपकी एक वर्ब है कौन सी वर्ब है ये आपकी एक प्लूरल वर्ब है दो मैंने आपको बताया है कि आई के साथ आप हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं आई वैसे सिंगुलर प्रोनाउन है ठीक है सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन है लेकिन तब भी हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लाइक का यूज करते हैं मैं आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूं बार बार एक्सप्लेन कर चुकी हूं सो आई होप अब तक ये आपको याद हो चुके होंगे ठीक है दूसरा मैंने आपसे बात करी थी डायनामिक वर्ब डायनामिक वर्ब को हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं जो कोई एक्शन दिखाता है ठीक है फर्स्ट सेंटेंस देखिए द कोर्ट फील्स नाइस एंड वार्म ये जो कोट है ये नाइस nice और वार्म लग रहा है ठीक है तो यहां पर स्टूडेंट कुछ एक्शन नहीं है ठीक है हम उस कोट की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं देख रहे हो ना योर परसेप्शन ऑफ द कोट क्वालिटी परसेप्शन का मतलब होता है कि जब आप किसी के लिए कोई पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं उसको हम परसेप्शन कहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो कोट है वो नाइस एंड वॉम है तो कोई एक्शन तो नहीं है ना तो दिस कोट फील्स नाइस एंड वॉम आपने कई बार कई किताबों में पढ़ा होगा कि जो वर्ब्स होती हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन जैसे सी हियर स्मेल नोटिस रेकगनाइज ठीक है या फिर जो लुक सीम वॉन्ड विश डिज़ायर ठीक है आपने कई कई किताबों में पढ़ा होगा वर्ब्स ऑफ इमोशन ठीक है या वर्ब्स ऑफ थिंकिंग इनके साथ आप कभी भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ नहीं करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है मैं आपको ये स्टेटिव और डायनामिक वर्ब में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऐसा होता क्यों है तो सेंटेंस को समझना ज़रूरी है सेंटेंस का एक बार ट्रांसलेशन करके देख लो समझ लो कि वो एक्शन बता रहे अगर वो एक्शन नहीं बता रहा है तो वो स्टेटिव सेंस में ही रहेगा अगर वो आपको एक्शन बता रहा है तो वो डायनामिक सेंस में आ जाएगा अब फील स्टूडेंट आपने कई किताबों में देखा होगा कि फील के साथ हम कॉन्टीन्यूस uh, टेंस का यूज़ नहीं करते हैं लेकिन अब जरा नेक्स्ट सेंटेंस देख लो हमने क्यों यूज़ करा है जॉन्स फीलिंग मच बेटर नाउ जॉन्स फीलिंग मच बेटर नाउ अब यहाँ पे ये जॉन्स क्या है एक चीज़ और यहाँ पर ये अपोस्ट्रॉपी ऐसे लेकिन इसका मतलब है जॉन इज ठीक है जॉन इज अभी कोई पॉजिटिव सेंस नहीं दे रहा है कि जॉन की फीलिंग नो जॉन इज फीलिंग मच बेटर नाउ क्योंकि मैंने आपको बताया है अपोस्ट्रॉपी एस आप कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ठीक है अब यहाँ पर मुझे बताइए कि फीलिंग तो आपका एक डाइन सॉरी स्टेटिव वर्ब है हमने इसे क्यों डायनामिक में यूज कर लिया क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि उसकी हेल्थ अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है ठीक है तो ये एक कॉन्टिन्यूएशन बता रहा है कि धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है तो जॉन स्पीलिंग मच बेटर नाउ ठीक है धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है ठीक है धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है तो यहाँ आपने देखा ना हमने एक स्टेटिव वर्ब को डायनामिक सेंस में यूज़ कर लिया तो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है काफ़ी सारे रूल्स ऐसे हैं जो आप लोग रट लेते हो ड्यू टू यूट्यूब होता गया है कि जब एप्लीकेशन की बात आती है थोड़ा सा सेंटेंस uh, ट्विस्ट हो जाए तो आप लोगों का दिमाग घूम जाता है दैट इज़ वाई आई से के ग्रामर को समझो रटो मत ओके okay, नेक्स्ट देखो शी हैज़ थ्री डॉग्स एंड अ कैट उसके पास तीन डॉग और एक कैट है तो एक पोजेसन की बात है ठीक है लेकिन शी इज़ हैविंग सपर शी इज़ हैविंग सपर सपर क्या है मैंने आपको बताया था एक रिफ्रेशमेंट है जो इवनिंग होता है ठीक है उसको हम कहते हैं तो शी इज़ हैविंग सपर तो यहाँ पर खा रहा खा रही है वो ठीक है शी इज़ ईटिंग बेसिकली तो यहाँ हमने सपर के साथ हैविंग यूज़ कर लिया शी इज़ हैविंग सपर ठीक है आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी नेक्स्ट देखिए आई कैन सी एंथनी इन द गार्डन अब सी भी आपकी एक स्टेटिव वर्ब है ठीक है बिल्कुल हैस की तरह तो मैं गार्डन में एंथनी को देख सकती हूँ आई कैन सी एंथनी इन द गार्डन तो कोई काम तो नहीं है ना देखना कोई काम तो नहीं है ना कोई एक्शन तो नहीं है ना ठीक है आई कैन सी एंथनी इन द गार्डन लेकिन अब इसे डायनामिक कैसे बनाया आई एम सींग एंथनी लेटर कहने का मतलब है मैंने आपको बताया है सींग का मतलब क्या है वी आर प्लानिंग टू मीट ठीक है सी का मतलब एक और होता है कि जब आप इससे मिलने जा रहे हो ठीक है जैसे आप कह दो आई विल सी यू मैं तुमसे मिलूंगी ठीक है आई विल सी यू सो आई एम सी एंथनी लेटर कहने का मतलब है कि मैं एंथनी से बाद में मिलूंगी ठीक है तो यहाँ पर ये एक प्लानिंग के सेंस में है तो आई एम सींग एंथनी लेटर आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी नेक्स्ट देखिए और ज़्यादा अच्छी तरह से समझिए प्रेजेंट और प्रोग्रेसिव टेंस में डिफरेंस क्या है प्रोग्रेसिव का मतलब कॉन्टीन्यूस ही होता है जो आपके परमानेंट एक्शन होते हैं ना वो आप आ, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में दर्शाते हैं लेकिन जो टेम्प्ररी होते हैं वो आप कॉन्टीन्यूस टेंस में दर्शाते हैं क्योंकि कोई काम इस मोमेंट पे हो रहा है कंप्लीट नहीं हुआ है जैसे पहला देखो सिमॉन लिव्स इन डार्जिलिंग ठीक है सिमॉन क्या है सिमोन आपका एक सब्जेक्ट है कैसा सब्जेक्ट है सिंगलर सब्जेक्ट है दैट इज़ वाई आपकी सिंगलर वर्ब आई लिव्स और इन क्या है स्टूडेंट इन आपका एक प्रेपोजिशन है और इन का आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है या तो नाउने पर प्रोनाउन तो दार्जिलिंग क्या है दार्जिलिंग एक प्लेस है ठीक एक प्लेस का नाम है तो दैट इज़ वाई ये इसका ऑब्जेक्ट है तो सिमोन लिव्स इन दार्जिलिंग तो ये एक परमानेंट बात है कि वो दार्जिलिंग में रहती है ठीक है वो दार्जिलिंग में रहती है तो इसमें कुछ एक्शन भी नहीं हो रहा है तो आप इसे स्टेटिव फॉर्म में ही बताओगे कि सिमॉन लिव्स इन दार्जिलिंग लेकिन टेम्प्रेरी में कैसे कि सिमॉन इज लिविंग विद हिज फ्रेंड्स फॉर नाउ कि जो सिमॉन है वो अपने फ्रेंड्स के साथ अभी के लिए रह रहा है ठीक है सिमॉन इज़ लिविंग विद हिज फ्रेंड्स फॉर नाउ अभी के लिए रह रहा है तो जो टेम्प्ररी एक्शंस होते हैं उनको आप कॉन्टिन्यूस टेंस में दर्शाते हैं सिमॉन लिव्स इन दार्जिलिंग सिमॉन दार्जिलिंग में रहता है ठीक है तो ये एक परमानेंट एक्शन है कि वो दार्जिलिंग में रहता है लेकिन वो अभी के लिए अपने दोस्तों के साथ रह रहा है अभी के लिए तो ये एक टेम्पररी एक्शन है तो टेम्प्रेरी एक्शन स्टूडेंट जो इस मोमेंट पर है कहते हैं ना मैंने आपको बताया ना जो इस मोमेंट पर हो रहा है ठीक है इस मोमेंट पर वो अपने दोस्तों के साथ रह रहा है तो सिमॉन इज लिविंग विद फ्रेंड्स फॉर नाउन तो ये एक टेम्प्री एक्शन है कि अभी के लिए अपने दोस्तों के साथ रह रहा है बाद में वो कहीं और भी शिफ्ट हो सकता है नेक्स्ट देखो जेम्स वर्क एट अ बैंक जेम्स जो है वो बैंक में काम करता है ठीक है तो ये एक फैक्ट है कि वो एक बैंक में काम करता है लेकिन जेम्स इज वर्किंग एट होम टूडे कि आज वो अपने घर पर काम कर रहा है ठीक है आज ओके इज वर्किंग एट होम टुडे तो टेम्पररी चीज है कि आज काम कर रहा है रेगुलर नहीं करता है तो जेम्स इज वर्किंग एट होम टुडे वी वॉक टू वर्क वी वॉक टू वर्क नेक्स्ट देखो वी आर वॉकिंग इन द पार्क वी वॉक टू वर्क हम वॉक करते हैं काम के लिए ठीक है वी वॉक टू वर्क वी आर वॉकिंग इन द पार्क और यहाँ पर हम स्टूडेंट पार्क में वॉक कर रहे हैं कि जो उनका काम है उसमें वॉक ज़रूरी है ठीक है वी वॉक टू वॉक तो ये एक रेगुलर एक्शन है ठीक है वर्क करने के लिए उन्हें वो कर उन्हें वॉक करना ही पड़ेगा उन्हें चलना ही पड़ेगा सेल्स मैन को सेल करने के लिए घर घर जाना ही पड़ेगा लेकिन वी आर वॉकिंग इन द पार्क तो हम पार्क में वॉक कर रहे हैं उस मोमेंट पे वो पार्क में वॉक कर रहे हैं तो ये टेम्प्ररी एक्शन है कोई बंदा पूरी ज़िंदगी पाक में थोड़ी वॉक करता रहेगा तो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझो अगर वो पर्मानेंट बात कर रहा है तो वो कॉन्टीन्यूस टेंस में होगा वो सॉरी वो आपका प्रेजेंट टेंस में होगा और अगर वो टेम्प्ररी बात कर रहा है तो वो आपको कॉन्टीन्यूस टेंस में होगा ठीक है पर्मानेंट और टेम्प्ररी के बीच का अंतर समझना ज़रूरी है तभी आप प्रेजेंट और प्रोग्रेसिव में डिफरेंस कर पाएंगे आई स्पीक इंग्लिश मैं इंग्लिश बोलती हूँ ठीक है आई स्पीक इंग्लिश आई एम स्पीकिंग इंग्लिश राइट नाव मैं इस समय इंग्लिश बोल रही हूँ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश राइट नाव मैं इस समय इंग्लिश बोलती हूँ वैसे तो आप लोग कर ऐसे समझ सकते हो कि फ्रॉम नाव आए राइट नाव आए नाव वर्ड आए तो आप कॉन्टीन टेंस लेकिन नहीं इस तरह से बिल्कुल भी नहीं समझो प्रेजेंट और प्रोग्रेसिव टेंस में कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश राइट नाउ तो ये आपका एक उस मोमेंट का एक्शन है अभी मैंने बताया ना कि जो काम अगर आप उस मोमेंट पे कर रहे हो तो आप उसे कॉन्टिन्यूस टेंस में रखोगे ठीक है आई स्पीक इंग्लिश तो ये एक फैक्ट है एक जनरल ट्रूथ मान लो कि मैं इंग्लिश बोलती हूँ ठीक है नेक्स्ट देखिए एफोमेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था एफोमेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नो नेवर नॉट का यूज नहीं होता है ठीक है जैसे आई एम वर्किंग यू आर वर्किंग ही शी इट इज़ वर्किंग वी आर वर्किंग दे आर वर्किंग ठीक है तो मैंने आपको बताया था कि आई यू वी दे के साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता है आई यू वी दे के साथ आप प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं ही शी इट के साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं ठीक है जैसे आई एम वोकिंग तो ये एक एफॉर्मेटिव सेंटेंस है कहने का मतलब है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ तो इस मोमेंट पर मैं काम कर रहा हूँ यू आ वर्किंग तुम काम कर रहे हो इट इज़ वर्किंग ही इज़ वर्किंग शी इज वर्किंग वी आर वर्किंग दे आर वर्किंग इनकी एब्रीवेटेड फॉर्म भी समझो आई एम को आप आई अपोस्ट्रॉफी एम भी लगाते हो यू आर को आप इस तरह से लिखते हो यू और ए की जगह अपोस्ट्रॉफी आ जाएगा और दोनों को एक साथ लिख दोगे ही इज़ वोकिंग ठीक है या फिर शी इज़ वर्किंग इट इज़ वर्किंग ठीक है वी आर वर्किंग दे आर वर्किंग नेगेटिव सेंटेंस देखिए आई एम नॉट या फिर आई एम नॉट वर्किंग यू आर नॉट या फिर यू आर इंट वोकिंग आर इंट ओके ही शी इट इज़ नॉट वर्किंग या फिर ही शी इट इज इंट वर्किंग नेक्स्ट देखिए वी आर नॉट वर्किंग या फिर वी आरट वर्किंग ठीक है सो so, मैंने आपको एब्रीवेटेड फॉर्म भी मैंशन कर दी है बिकॉज आई हैव सीन की स्टूडेंट कई बार जब एब्रीवेट फॉर्म लिखते हैं एब्रीवेटेड फॉर्म का मतलब होता है उनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ठीक है सो so, जब स्टूडेंट uh, एब्रीवेट फॉर्म लिखते हैं सो आई हैव सीन व पोस्टॉपी गलत जगह लगा देते हैं दैट इज़ वाई मैं आपके सामने छोटी से छोटी चीज़ भी में मैंशन कर रही हूँ दे आर नॉट वर्किंग या फिर दे आर वर्किंग नेक्स्ट देखिए जब क्वेश्चन की बात आती है स्टूडेंट एम आई वर्किंग या फिर आर यू वर्किंग इज ही या फिर इज शी या फिर इज इट वर्किंग आर वी वर्किंग आर दे वर्किंग ओके बेसिकली ये आपके कुछ कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेज uh, हैं जो कॉन्टिन्यूस टेंस को बता रहे हैं सो एम आई वर्किंग आर यू वर्किंग इज ही वर्किंग इज शी वर्किंग या फिर इज इट वर्किंग आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लैरिटी मिली होगी बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस समझ में आया होगा इन केस आपको कोई भी दिक्कत हो फील फ्री टू राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी आपकी हर एक क्वेरी दूर की जाएगी तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को भी सब्सक्राइब करना और स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा थैंक यू सो so मच